तहजीब का तीसरा बड़ा अंसर होती है। आप अगर किसी कौम, किसी ख़ानदान या किसी शख्स की तहजीब का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ इतना देख लें वो क्या खा रहा है और वो कैसे खा रहा है। आपको मज़ीद तहकीक की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेहतरीन ज़िंदगी के 40 असूलों में 7 असूल सिर्फ खाने से मुतालिक हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, गरम खाने को फूंक से ठंडा ना करो, पंखा इस्तेमाल कर लिया करो। ये फरमान भी हाइजीन पर बेस करता है। हम जब गरम खाने को फूंक मारते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया खाने को जहरीला बना देते हैं। ये हरकत तहजीब और शाइस्तगी के मुनाफी भी है। फरमाया, खाते हुए खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बद तहजीबी भी होती है और खाने की खुशबू हमारी नाक के अंदर मौजूद सूंघने के खुलियों और फेफड़ों की दीवारों को भी रुख जख्मी कर देती है। बस छींक भी आ सकती है और ये छींक सारे खाने को बर्बाद कर सकती है। फरमाया, अपने खाने पर उदास ना हुआ करो। हम अमूमन खाने की मकदार और क्वालिटी पर उदास हो जाते हैं। हम हमेशा खाना खाते वक्त दूसरों की प्लेट की तरफ देखते हैं। ये आदत हमारे अंदर नाशुक्री पैदा करती है। हम अगर अपने खाने को अल्लाह का रिज्क समझें, उस पर शुक्र करें, तो हमारे अंदर बर्दाश्त भी बढ़ेगी और सब्र और शुक्र की आदत भी दोयलब होगी। ये आदत हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना देगी। फरमाया, मुंह भरकर ना खाओ। हमारा मुंह खुराक के हाजमे का आधा काम करता है, बाकी आधा काम मैदा सर अंजाम देता है। हम जब मुंह भर लेते हैं तो ज़ुबान और दांतों को अपना काम करने के लिए जगह नहीं मिलती। हम जल्दी जल्दी निकलने पर मजबूर हो जाते हैं और यूं हमारे मादे की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। मादा ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाता। हम बदहज़मी का शिकार हो जाते हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हमेशा छोटा लुकमा लेते थे, देर तक चुबाते थे और आधा मादा भरने के बाद हाथ खींच लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी सेहतमंद रहे। आपके सहाबा ने भी ये आदत अपना ली। चुनाचे मदीना के तबीब बेरोज़गार हो गए और वो खजूरों की तिजारत करने लगे। फरमाया, अंधेरे में मत खाओ। इस फरमान के दो वजूहात हैं। अंधेरे में खाने से खाने में कीड़े मकोड़े मिलने का खदशा होता है और दूसरा रोशनी का खाने के साथ गहरा ताल्लुक होता है। हमें रोशनी में खाया हुआ खाना ज़्यादा एनर्जी देता है। ये वो वाहिद वजह है जिसकी बिना पर दुनिया भर में डिनर के वक्त हाल और कमरे की तमाम लाइटें ऑन कर दी जाती हैं। ये मुमकिन ना हो तो मेज़ पर मोमबत्तियां जला दी जाती हैं। अंग्रेज़ इस निज़ाम को कैंडल लाइट डिनर कहते हैं। ये रवायत हज़ारों साल से चली आ रही है और ये इंतहाई मुफीद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोशनी में खाने का हुक्म देकर इस रवायत की ताकीद फरमाई। आपने फरमाया, दूसरे के ऐब तलाश ना करो। हम जब दूसरों में ऐब ढूंढते हैं तो हम चुगली, गीबत और मुनाफ़िकत जैसी रूहानी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां हमें हसद जैसे महलक मर्ज में मुब्तला कर देती हैं और यूं हम ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तीनों सतहों पर अलील हो जाते हैं। नाचे हम अगर सिर्फ दूसरों के ऐब तलाश करना बंद कर दें तो हम हसद, मुनाफ़िकत, गीबत और चुगलखोरी जैसे इमराज से बच जाएंगे। हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। फरमाया, अकामत और अजान के दरमियान गुफ्तगू ना किया करो। अल्लाह कायनात का सबसे बड़ा बादशाह है। अजान उस बादशाह की तरफ से बुलावा होता है और अकामत शर्फ बार बाही की इजाज़त। चुनाचे ये दोनों औकात प्रोटोकॉल हैं। अल्लाह ताला को प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी अच्छी नहीं लगती। हम अगर दुनियावी बादशाहों के प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं तो फिर हमें दुनिया के सबसे बड़े बादशाह के प्रोटोकॉल का सबसे ज़्यादा एहतराम करना चाहिए। फरमाया, बैतुलखला में बातें ना किया करो, उसकी वजह जरासीम है। हम पिछले कालम में उस तफसील से जिक्र कर चुके हैं। हमारे रसूल
दोस्तों को बहुत अहमियत दिया करते थे, लिहाजा आपने फरमाया दोस्तों के बारे में झूठे किस्से बयान न किया करो। दोस्तों के बारे में झूठे किस्सों से दोस्ती की दिल आजारी भी होती है और दोस्त बदनाम भी होते हैं। चुनाचे इस आदत बस से परहेज दोस्ती के लिए बहुत अहम है। फरमाया दोस्त को दुश्मन न बनाओ। ये फरमान नफ्सियात और मुआशरत दोनों के लिए इंतहाई अहम है। हमारे दोस्त हमारी तमाम कमजोरियों से वाकिफ होते हैं। ये जब दुश्मन बनते हैं तो ये दुनिया के खौफनाक तरीन दुश्मन साबित होते हैं। चुनाचे हमें ज़िंदगी में कभी किसी दोस्त को दुश्मन बनाना चाहिए और ना कभी किसी दोस्त का दुश्मन बनना चाहिए। फरमाया दोस्तों के बारे में शकूक ना पालो, शक दोस्ती के लिए जहर होता है। हम जब दोस्तों के बारे में मशकूक होते हैं तो दोस्ती का धागा कमज़ोर हो जाता है। चुनाचे शक से बचना ज़रूरी होता है। फरमाया चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर ना देखो। चलते हुए पीछे मुड़कर देखना एक नफ्सियाती बीमारी है। ये बीमारी खौफजदा, डरे और सहमे हुए लोगों में कामिल है। हम जब चलते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम इस बीमारी का शिकार होते चले जाते हैं। पीछे मुड़कर देखने से हमारी तवज्जो भी हट जाती है, एक्सीडेंट का ख़तरा भी पैदा हो जाता है, हमारी रफ्तार भी आधी रह जाती है और हम बिला वजह दूसरे लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा भी कर लेते हैं। फरमाया एड़ियां मार कर ना चलो। एड़ियां मार कर चलना या चलने के दौरान इन दमक या आवाज़ पैदा करना तकब्बुर की निशानी है और तकब्बुर मुसलमानों को सूट नहीं करता। हमारे पाँव का हमारे दिमाग के साथ भी गहरा ताल्लुक है। एड़ियां मारने से हमारे दिमाग की चोलें हिल जाती हैं, हम दिमागी लिहाज से कमज़ोर हो जाते हैं। आपको एड़ियां मारकर चलने वाले जल या बदीर दिमागी अमराज की औदियात खाते मिलेंगे। फरमाया किसी के बारे में झूठ ना बोलो। झूठ दुनिया की सबसे बड़ी मुआशरती बुराई और गुनाहों की माँ है। हम अगर सिर्फ झूठ बंद कर दें तो मुआशरा हज़ारों बुराइयों से पाक हो जाता है। फरमाया ठहर कर साफ बोला करो ताकि दूसरे पूरी तरह समझ जाएं। झूठ के बाद गलत फहमी मुआशरे की सबसे बड़ी बुराई है। हम जब गुफ्तगू में वाजे नहीं होते तो गलत फहमियाँ पैदा होती हैं और ये गलत फहमियाँ मुआशरती बगाड़ का बाइस बनती हैं। चुनाचे हम जब भी बोलें बुलंद वाजे और साफ बोलें। आपने फरमाया अकेले सफ़र ना किया करो। ये फरमान भी हिकमत से भरपूर है। अकेला आदमी खौफजदा भी रहता है, परेशान भी, और ये अमूमन हादसों का शिकार भी हो जाता है। तहकीक से साबित हुआ सफ़र के दौरान अकेले आदमी ज़्यादा लड़ते हैं, ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं और ये ज़्यादा गलत फ़ैसले करते हैं। चुनाचे जब भी सफ़र करें एक या दो लोगों को साथ शामिल रखें, बिलखसूस औरत को कभी अकेले सफ़र ना करने दें। फरमाया फैसले से कबल मशवरा ज़रूर किया करो। इंसान 16 केमिकल्स का मजमूआ है। ये केमिकल्स हमारे मोड्स तय करते हैं और ये मोड्स हमारी ज़िंदगी के छोटे बड़े फ़ैसले करते हैं। हम जब भी तनहा फैसले करते हैं हम मोड्स के ताबे फैसले करते हैं और ये अमूमन गलत होते हैं। चुनाचे फैसले से कबल मशवरा ज़रूरी है और मशवरा हमेशा समझदार की बजाय तजुर्बाकार शख्स से करना चाहिए। आपको कभी नुकसान नहीं होगा। फरमाया कभी गुरूर ना करो। गुरूर एक ऐसी बुरी आदत है जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। मैंने पूरी ज़िंदगी किसी मगरूर शख्स को तभी मौत मरते नहीं देखा। ये गैर तभी मौत मरते हैं और हमेशा बेइज्जती और ज़ात वरासत में छोड़ते हैं। फरमाया शेखी ना बगाओ, ये भी कमाल असूल है। मैंने आज तक किसी शेखी खोर को बाइज्जत नहीं देखा। हम इज्जत बढ़ाने के लिए शेखी मारते हैं और हमेशा पुरानी इज्जत भी गवाह बैठते हैं। फरमाया गदागरों का पीछा ना किया करो। हम में से बेशुमार लोग फ़कीर को 10-20 रुपए देकर ये जानने की कोशिश करते हैं ये वाकई हकदार था या नहीं। ये आदत हमें शक्की भी बना देती है और ये सदक़े और खैरात से भी दूर कर देती है। फरमाया मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत हमारी शख्सियत में पुरकशिश पैदा कर देती है। आपको मेहमान नवाजों में हमेशा मकनतीस कशिश मिलेगी, आजमा कर देख लें। फरमाया गुर्बत में सब्र किया करो। ये फरमान भी क्या शानदार फरमान है।
सब्र बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत कभी किसी इंसान को गरीब नहीं रहने देती। आप साबिर हो जाएं, आपके हालात दिनों में बदल जाएंगे। आप ये भी आजमा कर देख लें। फरमाया, अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो, अच्छाई नेकी होती है और नेकी में दूसरों का साथ देने वाले भी जल्द नेक हो जाते हैं। आप सिर्फ नेक लोगों के मुआवन बन जाएं, आप नेकों से भी आगे निकल जाएंगे। फरमाया, अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। तहकीक बताती है, हम अगर अपनी किसी एक खामी पर काबू पा लें तो हम में 10 खूबियाँ पैदा हो जाती हैं। आप ये भी आजमा कर देख लें। फरमाया, बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो, ये भी आजमा कर देखें, ये आदत आपके दुश्मनों की तादाद कम कर देगी। फरमाया, अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहो। मेरा तजुर्बा है, हम दूसरे परिंदे की कोशिश में हाथ का परिंदा भी उड़ा देते हैं। हमें जो मिल जाए, हम अगर उसे इंजॉय करना सीख लें तो ये दुनिया जन्नत हो जाती है। फरमाया, ज़्यादा ना सोया करो, ज़्यादा नींद याददाश्त को कमज़ोर कर देती है। ये भी तबी लिहाज से दुरुस्त है, नींद मौत की पिछली स्टेज है। ये बढ़ जाए तो हमारे अरेन सेल मरने लगते हैं। चुनाते 7 घंटे से कम और 8 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। और 40वां फरमान, फरमाया, रोज़ाना कम अज़ कम 100 बार इस्तग़फ़ार किया करो। ये आदत भी इबादत है, अगर करके देखें आपको नताइज हैरान कर देगी।